हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्वराट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के लिए क्रॉप फिजियोलॉजी का टॉपिक 4 पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूँ, जिसका पार्ट 1 हो गया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। और यदि पार्ट 2 का वीडियो चाहिए या पार्ट 1 का वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ से मैसेज करके आप इसका PDF ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोगों ने क्रॉप फिजियोलॉजी टॉपिक 4 का फर्स्ट पार्ट कर लिया है। अब सेकेंड पार्ट हम लोग करने वाले हैं, जिसका टाइटल है मिनरल न्यूट्रिएंट ऑफ प्लांट फंक्शन एंड डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिएंट अपटेक मैकेनिज्म। तो कल हम लोगों ने देखा पोषक पदार्थ किसे कहते हैं, पोषक तत्व किसे कहते हैं, आवश्यक पोषक तत्व किसे कहते हैं, आवश्यक पोषक तत्व के सिद्धांत और पादप पोषक तत्वों का वर्गीकरण, जिसमें हम लोगों ने देखा था खनिज व खनिज तत्वों के आधार पर वर्गीकरण, पादप की उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण, और देखा था हम लोगों ने पौधे के अंदर गतिशीलता के आधार पर वर्गीकरण, पादप शुष्क भार के आधार पर वर्गीकरण, ग्रहण करने के आधार पर वर्गीकरण, मृदा के अंदर पोषक तत्वों की गतिशीलता के आधार पर वर्गीकरण। तो दोस्तों, हमने सभी के बारे में पढ़ लिया था, सिर्फ पादप की उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण जो है उसके बारे में नहीं पढ़ा था, क्योंकि ये काफ़ी लंबा है। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, पादप की उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण। तो पादप की उपयोगिता के आधार पर 3 प्रकार के वर्गीकरण किए गए थे, प्राथमिक पोषक तत्व, द्वितीयक पोषक तत्व और तृतीयक पोषक तत्व। प्राथमिक पोषक तत्व, द्वितीयक पोषक तत्व, तृतीयक पोषक तत्व। तो हम पहले प्राथमिक पोषक तत्व के बारे में देखेंगे। तो हम लोगों ने देखा था कल प्राथमिक पोषक तत्व में 3 कौन कौन से तत्व आते थे, NPK, द्वितीयक में कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, और तृतीयक में इन 6 को छोड़कर जितने बचते हैं शेष दोस्तों तृतीयक पोषक तत्व में आएंगे। तो आज हम लोग पहले प्राथमिक पोषक तत्व में देखते हैं। पहले तो पहला इसमें हेडिंग रहेगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मुख्य कार्य क्या है, वानस्पतिक वृद्धि करना। तो नाइट्रोजन का मुख्य कार्य वानस्पतिक वृद्धि करना। अब देखते हैं इसकी अधिकता से क्या होता है और इसकी कमी से क्या होता है। तो नाइट्रोजन का मुख्य कार्य वानस्पतिक वृद्धि करना, इसकी अधिकता से, नाइट्रोजन की अधिकता से वानस्पतिक वृद्धि अधिक हो जाती है। नाइट्रोजन की अधिकता से वानस्पतिक वृद्धि है जो दोस्तों वो अधिक हो जाती है, तो इससे पादप अधिक लंबा हो जाता है, जिससे फल व सब्जियों को पकने में देरी होने लगती है और फल व सब्जियों को भंडारण क्षमता कम हो जाएगी, कीट व रोगों का प्रकोप बढ़ जाएगा। तो आप लोग समझिएगा दोस्तों, नाइट्रोजन की अधिकता से पादप में नाइट्रोजन की अधिकता से वनस्पति वृद्धि अधिक हो जाएगी, फल व सब्जियों को पकने में देरी होने लगेगी, फल व सब्जियों का भंडारण क्षमता कम हो जाएगी, कीट व रोगों का प्रकोप बढ़ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसकी कमी से क्या होता है। तो इसकी कमी से पुरानी पत्तियों पर उल्टा भी आकार का पीलापन आ जाता है। नाइट्रोजन की कमी से पादप की पत्तियों पर उल्टा भी आकार का पीलापन आ जाता है। नाइट्रोजन की कमी से पौधा बौना हो जाता है। आप लोग जानते होंगे नाइट्रोजन की कमी से पौधा बौना हो जाता है। और अगला पॉइंट है कपास में नाइट्रोजन की कमी से कच्ची अवस्था में जो फल बनते हैं वो फटने लगते हैं, इस अवस्था को तिराक अवस्था कहते हैं। इसका मतलब दोस्तों यह है कि कपास में जो कच्ची अवस्था में फल बनते हैं, नाइट्रोजन कमी से वह फटने लगते हैं, तो इस अवस्था को तिराक अवस्था कहते हैं। अब देखते हैं फास्फोरस। फास्फोरस देखते हैं दोस्तों, फास्फोरस में कौन कौन से तत्व आएंगे। तो फास्फोरस में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, सॉरी दोस्तों हम द्वितीयक पोषक तत्व का बता रहे हैं। आप लोग पहले रीजन के बाद पी का देखिए फास्फोरस का। तो फास्फोरस में मुख्य कार्य क्या है फास्फोरस का, जड़ का विकास, ATP ADP का संश्लेषण, शर्करा स्थानांतरण। फास्फोरस का मुख्य कार्य जड़ का विकास करना, ATP ADP का संश्लेषण करना, शर्करा स्थानांतरण करना। इसका मुख्य कार्य हो गया। अब इसके अधिकता व कमी के लक्षण देखते हैं। तो जिंक, फास्फोरस की अधिकता से जिंक और आयरन की मात्रा बढ़ जाएगी। यदि दोस्तों फास्फोरस की अधिकता किसी पादप में हो जाएगी तो उससे जिंक और आयरन का जो मात्रा है वह बढ़ जाएगी। तो आप लोग याद रखिएगा कि फास्फोरस की अधिकता से पादप में जिंक और आयरन की मात्रा बढ़ जाएगी। और इसकी कमी के क्या लक्षण हैं। तो फास्फोरस की कमी से पुरानी पत्तियों पर गहरे हरी बैंगनी रंग की हो जाती हैं। फास्फोरस की कमी से पत्तियां पुरानी
गहरे हरी बैंगनी रंग की हो जाती हैं। अब अगला देखते हैं पोटेशियम। पोटेशियम के इसका मुख्य कार्य क्या है? पादप रंध्र को खोलने व बंद करने के लिए नियंत्रित करता है। पोषक तत्वों के वाहक का कार्य करता है। पौधे के अंदर कीट और रोगों से लड़ने के प्रति जो क्षमता है उसे बढ़ाता है। तो समझिएगा आप लोग, पोटेशियम का मुख्य कार्य पादप रंध्र को खोलने का कार्य करता है, पोषक तत्वों के वाहक का कार्य करता है, पौधे के अंदर कीट और रोगों से लड़ने के प्रति जो प्रतिरोधक क्षमता है उसे बढ़ाता है। इसकी कमी से, पोटेशियम की कमी से प्लांट के नीचे वाली पत्तियों के किनारे झुलस जाते हैं। दोस्तों, जो पोटेशियम की कमी हो जाती है किसी पादप में तो उसके पत्तियों के किनारे झुलसने लगते हैं। जैसे आप लोगों को दिखा देता हूँ, जैसे कोई प्लांट हो गया या इसके नीचे वाली पत्तियाँ हो गई, यदि इसमें पोटेशियम की कमी हो जाएगी तो ये पत्तियाँ किनारे से झुलसना शुरू हो जाएंगी और किनारे से झुलसते झुलसते पूरे पत्तियों को झुलसा देंगी। तो दोस्तों, पोटेशियम की कमी से प्लांट की नीचे वाली पत्तियों के किनारे झुलस जाते हैं। अब अगला पॉइंट हेडिंग देखते हैं, द्वितीयक पोषक तत्व में कौन कौन से आते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो पहले कैल्शियम का देखते हैं। कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? कैल्शियम का मुख्य कार्य पादप के अंदर कोशिका भित्ति का निर्माण करना, पौधे के शीर्ष कलिका के विकास में सहायक। दोस्तों, कल आप लोगों ने देखा था, एक पेड़ को मैंने बनाया था, उसमें नीचे की पत्तियाँ थी, ये मध्यम बीज की थी और ये ऊपर की, और दोस्तों जो शीर्ष में थी इसमें कैल्शियम और बोरान पाए जा रहे थे। तो दोस्तों, ये जो कैल्शियम और बोरान पाए जाते थे पौधे के शीर्ष कलिका के विकास में सहायक होते हैं। तो कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या है? पादप के अंदर कोशिका भित्ति का निर्माण, पौधे के शीर्ष कलिका के विकास में सहायक। तो उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसकी कमी के लक्षण देखते हैं। कैल्शियम की कमी से हुकिंग रोग हो जाता है दोस्तों। कैल्शियम की कमी से पादप में हुकिंग रोग हो जाता है और गाजर में कैविटी स्पॉट रोग। कैल्शियम की कमी से हुकिंग रोग और गाजर में कैविटी स्पॉट रोग हो जाता है। अब देखते हैं मैग्नीशियम के बारे में। देखते हैं मैग्नीशियम का मुख्य कार्य क्या दोस्तों? क्लोरोफिल निर्माण में सहायक, राइबोसोम निर्माण में सहायक। मैग्नीशियम का मुख्य कार्य क्लोरोफिल निर्माण में सहायक, राइबोसोम निर्माण में सहायक। इसकी कमी के लक्षण क्या है दोस्तों? पादप की पुरानी पत्तियों में हरिहीनता आ जाती है, मतलब पीलापन आ जाता है। और तंबाकू मैग्नीशियम की कमी से सेंडर ड्राउन रोग हो जाता है। तंबाकू में मैग्नीशियम की कमी से सेंडर ड्राउन रोग हो जाता है। पशुओं में मैग्नीशियम की कमी से ग्रास टिटेनी रोग हो जाता है। पशुओं में मैग्नीशियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ग्रास टिटेनी रोग। तो आप लोग समझिएगा मैग्नीशियम के बारे में। इसका मुख्य कार्य क्लोरोफिल निर्माण में सहायक, राइबोसोम निर्माण में सहायक। इसकी कमी के लक्षण पादप की पुरानी पत्तियों में हरिहीनता आ जाती है, मतलब पीलापन आ जाता है। तंबाकू मैग्नीशियम की कमी से सेंडर ड्राउन रोग हो जाता है। पशुओं में मैग्नीशियम की कमी से टिटेनी रोग हो जाता है। तो उम्मीद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब अगला देखते हैं सल्फर। देखते हैं सल्फर। सल्फर सल्फर के बारे में देखते हैं। तो सल्फर का मुख्य कार्य है, सभी तिलहनी फसलों में तेल का निर्माण सल्फर से होता है। दोस्तों, जितने भी तिलहनी फसल हैं, चाहे तिल हो गया, सरसों हो गया, सोयाबीन, जितने भी तिलहनी फसल हैं उनमें तेल का निर्माण सल्फर से होता है। प्याज और लहसुन में जो गंध आती है दोस्तों, प्याज लहसुन आदि में जो गंध आती है वो भी सल्फर से ही आती है। तो इसकी कमी के लक्षण क्या है दोस्तों? नाइट्रोजन कमी के लक्षण। दोस्तों, इसकी कमी नाइट्रोजन की कमी के लक्षण के समान होते हैं। तो चाय में पीलापन रोग सल्फर की कमी से होता है। सल्फर की कमी से चाय में पीलापन रोग हो जाता है और तेल की मात्रा में गिरावट आ जाती है दोस्तों, जिसे। और दोस्तों, चाय का वैज्ञानिक नाम क्या है आप लोग पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि नहीं पता तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, चाय का वैज्ञानिक नाम है केमेलिया साइनेसिस। आप लोगों को लिख के दिखा देता हूँ, केमेलिया साइनेंसिस। चाय का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? केमेलिया साइनेंसिस। तो आप लोग चाय का वैज्ञानिक नाम याद कर लीजिएगा। इसकी आवश्यकता का क्रम क्या है? पहले दोस्तों तिलहनी में, फिर दलहनी, फिर धान फसलें। सल्फर की आवश्यकता का क्रम तिलहनी में, फिर दलहनी में, फिर धान में। तो उम्मीद आप लोगों को सल्फर भी समझ में आया होगा। अब सल्फर के बाद
देखते हैं तृतीयक पोषक तत्व किसे कहते हैं। तृतीयक पोषक तत्व में कौन कौन से तत्व आते हैं आप लोग जानते ही हैं। तृतीयक पोषक तत्व, तृतीयक पोषक तत्व में दोस्तों सबसे पहले जिंक के बारे में देखेंगे। जिंक, तो सबसे पहले जिंक के बारे में देखते हैं। जिंक का मुख्य कार्य क्या दोस्तों, दोस्तों इसको मैंने लिखा नहीं, आप लोगों को डायरेक्ट यहीं से बताएंगे। तो जिंक का मुख्य कार्य है, तृतीयक पोषक तत्व है जिंक का मुख्य कार्य ट्रिप्टोफेन का संश्लेषण दोस्तों, और इसकी कमी से दोस्तों नई और पुरानी पत्तियों में जंग के समान बन जाते हैं, मतलब दोस्तों धब्बा बन जाता है। और धान का खैरा रोग दोस्तों जिंक की कमी से होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोग जानते ही होंगे धान का खैरा रोग। जिंक की कमी से धान का खैरा रोग, और खैरा रोग का कोई दोस्तों डॉक्टर डॉक्टर वाई एल ने पंतनगर में किया था। तो जिंक का मुख्य कार्य ट्रिप्टोफेन का संश्लेषण करना, इसी कमी से नई और पुरानी पत्तियों में जंग के समान मतलब धब्बे आ जाते हैं, और धान का खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। और खैरा रोग के खोज डॉक्टर वाई एल ने पंतनगर में किया था। और इसी कमी से मक्का के अंदर श्वेत कलिका रोग हो जाता है, और लिटिल लीफ रोग पत्तियां मतलब पत्तियां जो छोटी होती हैं वह रोग भी जिंक की कमी से ही होता है। अब अगला रोग देखते हैं, इसके अगला तत्व के बारे में फेरस के बारे में देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण, इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण में उपापचय क्रिया को निगमन करता है। प्रकाश संश्लेषण उपापचय क्रिया को निगमन करता है, इसकी कमी से दोस्तों सही से लिख नहीं पा रहे हैं फोन में, लेकिन आप लोग बता देते हैं कि आयरन की कमी से इंटरवेजाइनल क्लोरोनेसिस रोग होता है, जिसे हिंदी में दोस्तों अंतःशिरा हरी अंतर रोग कहते हैं, और इसकी अधिकता से धान के ब्रोंजिक रोग हो जाता है। इसकी अधिकता से धान में ब्रोंजिंग रोग हो जाता है दोस्तों। और अगला तत्व देखते हैं कॉपर CU, इसमें इसका मुख्य कार्य इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करना, इसका मुख्य कार्य इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करना, और इसकी कमी से नींबू वर्गी में डाई बैक रोग हो जाता है। इसकी कमी से नींबू वर्गी पौधे में डाई बैक रोग हो जाता है, डाई बैक रोग। तो इसको भी आप लोगों ने समझ लिया होगा। अगला तत्व तो देखते हैं मैग्नीज MN, इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण की हिल अभिक्रिया का संचालन करना, प्रकाश संश्लेषण की हिल अभिक्रिया का संचालन करना, नाइट्रोजन स्वांगीकरण में मदद करना। इसका दो मुख्य कार्य दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की हिल अभिक्रिया का संचालन करना, नाइट्रोजन स्वांगीकरण में मदद करना। दोस्तों आप लोग लिखते रहिएगा। और इसका कमी का लक्षण है दोस्तों मटर में मार्स रोग, गन्ने का पाला ब्लास्ट रोग। तो आप लोगों ने मैग्नीज के बारे में भी देखा, अब अगले तत्व के बारे में देखते हैं बोरान के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका मुख्य कार्य पराग का विकास करना, कार्बोहाइड्रेट का स्थानांतरण करना। बोरान का मुख्य कार्य पराग कणों का विकास और कार्बोहाइड्रेट का स्थानांतरण। इसकी कमी के लक्षण दोस्तों चुकंदर में हर्ट रूट रोग, इसकी कमी दोस्तों हर्ट रूट रोग चुकंदर में हो जाते हैं बोरान की कमी से, और फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग, अंगूर में हेन एंड चिकन रोग हो जाता है दोस्तों। बोरान के बारे में फिर सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोरान का मुख्य कार्य पराग का विकास करना और दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का स्थानांतरण करना। इसकी कमी से चुकंदर में हर्ट रूट रोग हो जाते हैं, फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग हो जाता है, अंगूर में हेन एंड चिकन रोग हो जाता है। अब अगले तत्वों के बारे में देखते हैं दोस्तों मॉलिब्डेनम, जिसको अति सूक्ष्म पोषक तत्व भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका, यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण में इसकी मुख्य भूमिका होती है। और इसकी कमी से फूलगोभी में
इसकी कमी से दोस्तों फूल गोभी में वी टेल रोग हो जाता है। अब अगले तत्व के बारे में देखते हैं, क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन का मुख्य कार्य दोस्तों ससंजन दाब के लिए, ससंजन दाब के लिए क्लोरीन होता है। और अगला तत्व एक बचता है दोस्तों, निकिल। निकिल निकिल का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, बीजों की जीवन क्षमता को बढ़ाना। बीजों की जीवन क्षमता को बढ़ाना। बीजों की जीवन क्षमता को बढ़ाना। अब दोस्तों इसके बारे में बताता हूँ कैसे कैसे बढ़ाता है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं सूचक पौधे किसे कहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को मैं लिख कर दिखा देता हूँ। तो देखिए आप लोग दोस्तों, सूचक पौधे किसे कहते हैं, वे पौधे जो किसी विशेष पोषक तत्व की कमी के लक्षण को मुख्य पोषक तत्व से पहले दर्शाता है उसे सूचक पौधे कहते हैं। जैसे दोस्तों नाइट्रोजन में फूल गोभी और पत्ता गोभी, नाइट्रोजन में फूल गोभी और पत्ता गोभी, ये दोस्तों नाइट्रोजन की कमी को मुख्य फसल से पहले ही बता देगा। और फास्फोरस में सरसों और लोबिया, सॉरी और तोरिया, फास्फोरस में दोस्तों सरसों और तोरिया जो है मुख्य फसल से पहले ही सूचना दे देगा। और अगला है पोटेशियम को आलू दोस्तों, पोटेशियम में आलू मुख्य फसल से पहले ही सूचना दे देता है। और सोडियम में चुकंदर, बोरान में सूरजमुखी, कापर में नींबू वर्गीय पौधे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, आप लोग देखिएगा पूरा वीडियो। और जिंक में जई और धान संबंधित जितने भी हैं, जई और धान से संबंधित, सिलिकॉन में दोस्तों धान मुख्य फसल से पहले ही सूचना दे देगा। और मालिबेडेनम में चवला और लोबिया, और आयरन में दोस्तों फूल गोभी। तो आप लोग देखिएगा फिर से, सूचक पौधे किसे कहते हैं, वे पौधे जो किसी विशेष पोषक तत्व की कमी के लक्षण को मुख्य पोषक तत्व से पहले दर्शाता है उसे सूचक पौधे कहते हैं। नाइट्रोजन में फूल गोभी, पत्ता गोभी, फास्फोरस में सरसों और तोरिया, पोटेशियम में आलू और सोडियम में चुकंदर, बोरान में सूरजमुखी, कॉपर में नींबू वर्गीय पौधे, जिंक में जई और धान, और सिलिकॉन में धान, मॉलिब्डेनम में चवला और लोबिया, और दोस्तों फेरस में ये एफ ई है, फेरस में फूल गोभी। तो उम्मीद आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप इसका PDF ले सकते हैं। और जहाँ पे आप लोगों को कुछ भी टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप लोग व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या कमेंट में भी पूछ सकते हैं। वैसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।